कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक काम करेंगे, है ना। वो क्या है कि एक ना चैम्फरिंग टूल होता है। ये टूल है जिसका नाम है चैम्फरिंग टूल या काउंटर सिंकिंग टूल भी बोलते हैं। तो ये काउंटर सिंकिंग या चैम्फरिंग टूल है, ये है ना, चैम्फरिंग टूल। ये चैम्फरिंग टूल से हम लोग चैम्फर कैसे लगाएंगे, समझ रहे। अगर कोई रेक्टेंगल जाब है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस टाइप से सपोज करिए कोई जाब है और इसके किनारे किनारे यहाँ पे चैम्फर लगाना, समझ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या बीच में इसमें होल है तो होल के ऊपर भी चैम्फर लगाना है। ऐसा अगर ये 28 का होल है तो यहाँ पे चैम्फर लगाना है। तो ये लगाने के लिए एक ये टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैम्फरिंग टूल। और इससे हमें करना क्या होता है कि ये वर्क पीस के बाहर बाहर या कहीं पे बोर के अंदर भी लगाना है। तो ये टूल कुछ ऐसा होगा, मैं अगर आपको सिंपल दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, ये शायद दिख पा रहा होगा, ये ऐसा एंगल रहेगा और वो इसके ना बाहर बाहर हमें घुमाना रहता है। जैसे आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये इसके वैल्यू से थोड़ा बाहर बाहर ये चलेगा। तो ये जो इसका एंगल है, ये टेपर जो कोण है ये वाला, तो ये चैम्फर लगाता है। यहाँ पे कटिंग एज होती है, यहाँ पे ना कटिंग एज होती है यहाँ पे, तो ये चैम्फर लगाएगा। यहाँ पे कटिंग एज होती है, है ना, ये समझिए कि इस पे कटिंग एज होती है जो कटिंग करती है। तो अब इसमें करना क्या है, सिंपल तरीका, अगर पहले हम इसके ओडी पे ओडी कह रहे हैं, एक्सटर्नल जो साइज है 100 और 120 उस पर लगाएंगे, फिर बोर में लगाएंगे, तो दोनों में आपको बता रहा हूँ। अब सपोज करिए कि हमें ये करना है, तो हम लोग ये देखना है कि टूल को कहाँ से हमें लगाना चालू करना है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो सपोज करिए मैं इधर से स्टार्ट करके ऐसे आना चाह रहा हूँ, तो अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो एक्स में वैल्यू क्या रखना है, आप समझ रहे हैं, 50, और ये थोड़ा बाहर रख लेंगे ना, कोई कंपनसेट तो कराना नहीं है कुछ भी। तो ये समझिए कि यहाँ से ये 60 हो गया और इसको हम 5 mm और या 10 mm और बाहर रख लेते हैं। तो ये एक्स माइनस 70 पे रख लिया मैंने। अब थोड़ा ऊपर नीचे भी एक्स में अभी रख सकते हैं, बट इधर से स्टार्ट करने का मतलब कि वाई की जो वैल्यू है वो आपको ठीक रखनी है। तो सपोज करिए कि हम लोग इससे 5-5 mm बाहर बाहर इसको चलाएंगे, तो ये जो एज है ना वो गड़ के इस पे चैम्फर लगा देगा। तो अब हम इसको 5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा चैम्फर या कितना छोटा चैम्फर चाहिए। तो इससे हम लोग छोटा भी चैम्फर लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ से चालू करेंगे तो वाई में अगर ये 50 है, सपोज करिए मैं 3-3 mm बाहर रखता हूँ, है ना। तो अब ये 3 mm अगर इधर बाहर रखेंगे इस साइड में, तो ये 50 और 3 53 हो गया। और यहाँ से हम लोग ये G0 आप जेड में 2 पे आ जाइए। अच्छा, अभी तो यहाँ पे आने से पहले आपको वो 43 भी लिखना है ना, तो G43H01 और Z100 पे आ जाइए पहले, ऊपर थोड़ा Z100, उसके बाद हम लोग यहाँ पे या यहाँ पे आप रोटेट करा दीजिए S, मान लीजिए मैं 900 पे इसको रोटेट करा दी, M03 एंड अब लॉन्ग वर्जन रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि G0 Z2 पे, तो मैं रैपिड में ले आया, कूलेंट ऑन कर लिया, ठीक है ना ये। फिर उसके बाद ये G01 Z-4 या 5 रख लिया, तो Z- मैंने 5 कर लिया, फिर मैंने 200 का डाल दिया। तो अब ये क्या होगा कि चैम्फर ये बढ़ेगा घटेगा कब, या तो हम ये जेड की वैल्यू को घटाएं या ऑफसेट से हम लोग
माइनस करेंगे ना जेड में तो भी ये चैम्फर बड़ा होगा, और जेड में प्लस करेंगे तो ये चैम्फर, क्योंकि ये जितना ऊपर उठा रहेगा ना उतना चैम्फर यहाँ से छोटा लगेगा, और जितना नीचे आएगा उतना चैम्फर, ये नीचे आने के टाइम ये फैलता जा रहा है ना ये, तो ये चैम्फर बड़ा करता जाएगा। तो आप इन दोनों से, या तो ये जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग यहाँ पे इसको 3-3 mm बाहर बाहर चलाने वाले हैं ऐसे, इधर से ये 3-3 mm बाहर हम इसको चलाएंगे हर तरफ से, तो फिर ये चैम्फर लग जाएगा। तो अब ये जेड माइनस 5 हमने उतार लिया, अब यहां से G01 एक्स में अब कितना जाएंगे, अभी इधर हमारा 60 है, इसको हम लोग 63 लेके चले गए। फिर वाई में 50 है ना, तो इसको वाई माइनस में 53, फिर एक्स माइनस में 63, फिर वाई प्लस में है ना 53 है, थोड़ा आगे निकालना चाहे तो आप इसको आगे भी ले सकते, मैंने थोड़ा बाहर ले लिया, जाना तो था 53 पे, मैंने 2 mm और फालतू ले लिया। तो अब ये चारों तरफ ये चैम्फर लग गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ से G0, G90, Z100, M09, M01। तो ये तो हो गया, हम लोग इसके ऊपर बाहर बाहर लगाएंगे है ना। अब क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई बोर है, ये 28 है, तो एक तो तरीका ये है कि अगर ये 28 का बोर है और ये हमारा यहां का डाया जो है, ये डाया मोर देन 28 है, कई बार हम लोग देखे होंगे कि हम लोग बड़ा छोटा ड्रिल लगा दिया तो बड़ा ड्रिल से भी चैम्फर कर देते हैं, बट अगर ये काउंटर सिंकिंग टूल या चैम्फरिंग टूल है, अगर सपोज करिए कि यहाँ का डाया 3500, तो उसको हम ऐसे ही सीधा प्लंज भी करा देंगे ना इसके सेंटर पे तो भी लग जाएगा, लेकिन ये यहाँ का जो डाया है वो इस बोर के डाया से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर सपोज करिए कि ये बोर का डाया जो है 28 है, लेकिन ये जो डाया है ना यहाँ का, ये डाया 28 से कम है, कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, मान लीजिए कि ये डाया जो है वो यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। तो अब तो वो इस पे लगेगा नहीं, तो फिर क्या तरीका है कि फिर जैसे हम लोगों ने इस पे लगाया ना, ऐसे ही हम यहाँ पे इस कटर को भी थोड़ा इस कंपोनेंट के अंदर अंदर चला देंगे, जैसे हमने यहां पे 3-3 mm चलाया, अब यहां पे भी चाहे तो थोड़ा अंदर अंदर इसको घुमा देंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा ये किसी भी साइज का हो, चाहे होल के साइज से ये छोटा ही क्यों ना हो, बट हम घुमा के इस पे चैम्फर लगा सकते हैं। तो अब वो कैसे लगे वो समझिए कि अब इसी में मैं N1 था, ये M01 के बाद मैं यहां पे N2 कर दिया, ये पहले से बोर वगैरह हमारा हुआ पड़ा है। तो अब ये तो लाइन सेम ही लिखनी है आपको, समझ रहे ना, ये लाइन ऑलमोस्ट सेम आएगा, तो मैं सीधा यहां पोजिशनिंग दे देता हूं। चलो तो यहां पे मान लो मैंने टूल नंबर 2 दे दिया M06, फिर G0, G90, एक्स है ना। तो अब इसमें एक्स में अगर हम लोग ये 3-3 mm ही मान लीजिए छोड़े, तो अगर ये 28 था, ये सेंटर से ये कितना हो गया 14, और अगर ये 3 mm इधर आ गए तो ये कितना हो गया, अगर 14 में से 3 mm कम कर दे तो 11 हो गया, नहीं 11 और 3 14। तो अब ये एक्स में माइनस में मैं 11 पे आ गया, वाई 0 पे, वाई में कहीं ऊपर नीचे नहीं है, तो वाई 0 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहां तो पोजीशन ले लिए, अब सीधा इसको G43 H2 है, H2 Z100 और S यहीं घुमा दीजिए, 900 पे मैं घुमा दूं, M03 G0 Z2 M08
Z-01Z-। अब जैसे हमने यहाँ पे Z-5 लिया था, अब अपने हिसाब से उसकी चैम्फर कितनी बड़ी छोटी लगानी है उसके हिसाब से ये Z की वैल्यू को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, या जो हमने ये 3 mm लिया इसको 2 भी ले सकते थे, यहाँ से 2 mm भी ले सकते थे, या यहाँ से 4 भी ले सकते हैं, वो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा। अब ये है कहाँ x-11। अब हम लोग सीधा यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अगर कंपनसेशन वगैरह नहीं ले रहे हैं तो G02I11। समझ रहे, ये -11 में है, हम लोग यहाँ से ऐसा G02 में यहाँ घुमा दिया बिना कंपनसेशन के भी, तो भी ये कोई इशू नहीं है, किधर भी हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। I11 कर दिया तो चैम्फर लग गया। अब इसके बाद हम लोग यहीं से चाहें तो ऊपर उठा लें G-0, G-90, G-40, Z-100, M-09, M-01, M-30। तो दोस्तों आपने ये देखा कि हम लोग इसका यूज करके ये जो चैम्फरिंग टूल है हम कहीं पे भी चैम्फर लगा सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो कहीं पे भी। तो ये बड़ा इजी एक प्रोग्राम है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम लोग इसका यूज करके कहीं पे भी कुछ बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। बहुत है, क्लोज करते हैं वीडियो को, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, समझें एंजॉय करें, और कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करें, और नहीं भी डाउट्स है तो भी कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो आगे हम और भी अच्छा आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।